हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिंपल सचिन दलवी के चैनल पर आप लोगों का ढेर सारा स्वागत। तो जैसा कि आज है एकादशी, हमारे मराठी समाज में एकादशी कल की मानी थी, तो मैं बस वहीं जा रही हूँ रामनगर। जो कुछ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा मेरे इस छोटे से ब्लॉग में और अपना प्यार बनाए रखिए। सो मैं रामनगर आ गई हूँ अपने ससुराल, और ये रंगोली जो है तुलसी वाली, ये मेरी जिठानी बना रहे थे, और जो सर्कल वाली है ये मैंने बनाई थी, बट शूट करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं आधे से उठ के शूट कर रही थी। तो आप देख सकते हैं दिया और तुलसी की जो रंगोली है वो मेरी जिठानी ने बनाई है, और ये सर्कल वाली कलश मैंने बनाया है। यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, गली बहुत छोटी है, इसलिए हमें छोटी छोटी सी रंगोली डाली है। और ये जो बेल है आधी मैंने बनाई है और आधी मेरी जिठानी ने बनाई है, और यहाँ हम दोनों रंगोली बनाकर बस उठे ही थे और पूजा की तैयारियाँ शुरू करने लगे थे। तो भैया सासू माँ कर रही थी दिए की तैयारी, दिए वगैरह लगाने थे। सासू माँ बड़ा ही हेल्प कर रही थी जिठानी जी को मुझको काम में, और गुड्डू उनके पास ही बैठी हुई थी वगैरह की तैयारी करके। वो सासू माँ पूजा करने चले गए थे, गुड्डू उनके साथ ही घूम रही थी आगे पीछे कि क्या क्या कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे किचन कैसा है, तो बस ये थोड़े दिन की ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक की। बहुत ही जल्दी किचन बहुत ही नया और बोलते ना शानदार होने वाला है, जिसका व्लॉग भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो बस ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। 1 वीक में समथिंग न्यू व्लॉग आ जाएगा इस चीज़ का कि हाँ मेरे जो जिठानी जी का किचन है वो बिल्कुल वो हो गया है, बिल्कुल बोलते ना रेनोवेशन हो गया है उसका। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं लाइफ में, बट बोलते हैं कि अगर समस्याएँ उठाकर इंसान आगे बढ़ता है तो बोलते ना बहुत ही अच्छा उसकी लाइफ में होता है, तो बस ऐसा ही होने वाला है। सो आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरी गली किसी जगमगा गई है, और मैं बता दूं आपको गली में स्पेस देखिए कितनी कम है, जिस वजह से रंगोली बनाने में दिक्कत होती है। मेरी जिठानी रेडी हो रही है, मंदिर में नहीं दिख रहा है ना? नहीं, मंदिर का शूट कर रही थी। दीदी वो बोली बाप कब फोड़ना है पटाखे, वो बाप फटाके को बाप बोल रही। सो यहाँ बच्चों का बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा था, बोलते हैं ना एक मतलब गली ही कोई सोसाइटी नहीं है, हम काफ़ी सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर गली के सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे थे, और यहाँ पता पूजा ऐसा लग रहा था गली में पूजा थी, पर फीलिंग ऐसी आ रही थी कि एक ही घर में पूजा चल रही हो, क्योंकि सबके आंगन इतने अच्छे सजे हुए थे। मैं अपनी मम्मी के घर भी ऐसी ही जगह से रही हुई हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं कि बस्तियों में सुकून नहीं है, बट मैं बोलूँ आपको बस्तियों में लोग एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, और वाकई में बस्तियों में सुकून है, और मुझे अच्छा भी लगता है। बात जो भी हो बट एक सुकून है, मैं ऐसी ही जगह पर पली बड़ी हूँ, तो मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैं कहाँ रहती हूँ या कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और इस चीज़ के पर मुझे गर्व है कि हाँ मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, जहाँ पर एक दूसरे की तकलीफ़ को दुख को समझा जाता है। मेरे माता पिता ने हम बहनों को इतना तो सिखाया है कि आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को मतलब समझ के आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में ईश्वर आपका साथ देगा, और ईश्वर ने हर तरह से मेरा साथ दिया है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की। तुलसी माता की पूजा करते हुए मैं यही सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ लेकर आई है, और जहाँ भी लेकर आई है आज एक सुकून भरी ज़िंदगी जी रही हूँ, अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, एक प्यारी सी बच्ची मुझे मिल गई है। लोगों के तमाम ताने सुनने के बाद ज़िंदगी में आज खुशियाँ आई हैं, तो मैं बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी। बस यही कहूँगी तुलसी मैया से कि जिनकी ज़िंदगी में विवाहित जिंदगी में जन्म है उनकी खुशियाँ भर देना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम नॉर्मली तुलसी विवाह अपने घर में ऐसे ही कर देते हैं, पर मराठी कास्ट में मंगल अष्टम गाकर ही तुलसी विवाह किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी आए थे, उनके बच्चे आए थे, उनकी बहू आई थी, और उन्होंने बकायदा मंगल अष्टम गाकर यहाँ पर तुलसी विवाह किया है, पर्दा लगा कर ना जो अक्षत होता है वो डालकर बहुत ही रीति रिवाज से यहाँ पर तुलसी विवाह संपन्न किया गया, और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था मुझे। जितने भी आप देख रहे हैं ये सब ब्राह्मण समाज से हैं जो कि आए हैं तुलसी विवाह के लिए, और ये हर गली में जाकर तुलसी विवाह करा रहे थे, मंगल अष्टम गाकर ये आंटी सबके हाथों में अक्षता दे रही हैं, ताकि जब विवाह सम्पन्न किया जाएगा उसके बाद ये जो अक्षता है वो तुलसी माँ को अर्पण की जाएगी।
और इस यहाँ पर मतलब एक ऐसा शादी जैसा माहौल ही लग रहा था। हल्दी कुमकुम होना, मिठाइयाँ बांटना, पूरी गली में ये देखिए अपने अक्षिता माता रानी को समर्पित की गई है। और छोटे छोटे बच्चे यार वो तक मंगल अष्टम गा रहे थे। मुझे तो देखो नहीं आता, आप लोग जानते हैं जैसे कि मैं मराठी नहीं हूँ, लेकिन मेरे इन-लॉज सारे मराठी ही है। और जिस एरिया में मेरे इन-लॉज रहते हैं वो पूरा एरिया मराठी ही है। वहाँ पर एक सिंगल घर बिना मराठियों का नहीं है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी मराठी ही बोलते हैं। उस जगह मुझे जाकर ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं महाराष्ट्र में ही आ गई हूँ। तो मैं मुझे थोड़ा सा बोलते ना ऐसी फीलिंग भी आती है कि आजकल थोड़ी बहुत समझ में आने लगी पर बोलना नहीं आती। कोई भी मुझसे कुछ क्वेश्चन करता है तो मैं जवाब उसको मतलब सुन तो मराठी में लेती हूँ पर आंसर जो है वो हिंदी में ही करती हूँ, क्योंकि बोलते ना 50% मुझे मराठी बोलनी आती है टूटी फूटी, और बोलते 90% मुझे समझ में आने लगी है चीज़ें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी मैं थोड़ा बहुत गुड्डू के साथ बोलती हूँ, मेरी बेटी को तो अधिकतर मराठी ही समझ में आती है। तो यहाँ पर हमने अक्षिता ही समर्पित की महारानी को। अब ये यहाँ पर पूजा कराकर दूसरी गली में जाएंगे। ये हर एक गली में जा रहे थे और अपनी पूजा को संपन्न कर रहे थे। बहुत ही अच्छा माहौल था, मन में एकदम खुशियाली सी छा गई थी मेरे। Yeah, but that's not it.
पर सासू माँ पापड़ तल रही थी, जिठानी जी को काम में थोड़ा हेल्प कर रहे थे ताकि उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। मुझे तो गुड्डू कंटिन्यूसली परेशानी कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं।